श्री महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन भूगा उरई जालौन। मैं विवेक कुमार। जैसा कि आज का टॉपिक है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो नाउन से संबंध और दूसरे शब्दों से भी संबंध को बताता है। प्रपोजिशन के द्वारा किसी स्थान, समय और किसी स्थिति को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू कनाडा, तो यहाँ टू क्या बता रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कनाडा। तो टू एक ऐसा प्रपोजिशन है जो एक स्थिति को बता रहा है। इसी तरह एलेक्स थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड, तो एलेक्स ने पत्थर को फेंका तालाब में, तो यहाँ पर इनटू जो है वो प्रक्रिया को बता रहा है, क्या किया जा रहा है। इसी तरह से द प्रेजेंट इज इनसाइड द बॉक्स, तो प्रेजेंट कहाँ है, इनसाइड, इनसाइड मीन बॉक्स के अंदर है। दे हैव गोन आउट ऑफ द टाउन, वे गांव से बाहर जा चुके हैं। तो आउट ऑफ यहाँ एक प्रपोजिशन है। टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, यहाँ पर प्रपोजिशन को तीन टाइप्स में बांटा गया है, टाइम प्रपोजिशन, प्लेस प्रपोजिशन, डायरेक्शन प्रपोजिशन। पहला टाइम प्रपोजिशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो हमें टाइम से संबंधित जानकारी दे। इसके लिए हम एट, ऑन, इन, बिफोर और आफ्टर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ए, जब किसी वाक्य में साल, महीना, ऋतु और साल और दिन के समय के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, आई फर्स्ट मीट जॉन इन 1987। दूसरा, इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी। तीसरा, ईस्टर्स फॉल इन स्प्रिंग ईच ईयर। फोर्थ, द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑकवर्ड इन 20th सेंचुरी। फिफ्थ, वी ईट द ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग। तो इन सब सेंटेंसों में क्रिमसा पहले साल, दूसरे सेंटेंस में महीना, तीसरे में ऋतु, चौथे में सेंचुरी के बारे में बताया गया और लास्ट वाले में आपको दिन के समय के बारे में बताया गया। बी पॉइंट, जब दिन, तारीख और निश्चित छुट्टी के बारे में बात की जाती है, तो वहां पर हम ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी गो टू स्कूल ऑन मंडे बट नॉट ऑन संडे, तो यहाँ निश्चित है मंडे और संडे। दूसरा एग्जाम्पल, क्रिसमस इज ऑन दिसंबर 25th, तो यहाँ पर भी निश्चित है। थर्ड, वाई मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे, यहाँ पर भी माई बर्थडे फिक्स है। सी पॉइंट, जब किसी फेस्टिवल का समय बताया जाए या कोई निश्चित टाइम बताया जाए, तो हम एट का प्रयोग करते हैं। फैमिलीज ऑफन आर्गू एट क्रिसमस टाइम। दूसरा एग्जाम्पल, आई वर्क फास्टर एट नाइट। तीसरा, हर शिफ्ट फिनिश्ड एट 7 PM। इन सभी सेंटेंसों में टाइम निश्चित बताया जा रहा है। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी चीज के घटित होने का और होने वाले का पता चले। कोई चीज पहले से घटित हो गई हो और होगी, उसके बारे में जब हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो वहाँ हम सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे बिफोर आई डिस्कवर्ड दिस वार, मैं पहले मैंने ए वार खोजा, कॉमा आई यूज टू गो स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क, मैं सीधा घर गया काम करने के बाद। तो यहाँ पर बिफोर आया है पहली वर्क के लिए और जो दूसरा काम किया गया उसके लिए आफ्टर का प्रयोग किया गया। ऐसे ही वी विल नॉट लीव बिफोर 3 PM, हम नहीं छोड़ेंगे 3 बजे के पहले। टाइम से संबंधित कुछ प्रपोजिशन और भी होती हैं, जैसे ड्यूरिंग, अबाउट, अराउंड, अनटिल, थ्रू आउट। इन सभी का उपयोग हम इनके अर्थ के अनुसार करते हैं। जैसे ड्यूरिंग मीन्स समय पीरियड की एक निश्चित समय अवधि, थ्रू आउट मीन्स जब तक की, और अबाउट मीन्स के बारे में, अराउंड मीन्स चारों तरफ। इन शब्दों का जो वर्ड मीनिंग है उसी के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे द कंसर्ट विल स्टेज थ्रू आउट द मंथ ऑफ मई। दूसरा एग्जाम्पल, आई लर्न हाउ टू सिक ड्यूरिंग द हॉलीडेज, वी यूजली अराइव्स अराउंड 3 PM। इसी तरह से इट वॉज अबाउट 6 in morning वैन वी मेड इट टू बेड। और लास्ट, द स्टोर इन ओपन अंटिल midnight। अंटिल मीन्स जब तक की। सेकेंड प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जब कोई चीज किसी
सरफेस पर रखी होती है तो अब हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे द स्केल्पटर हैंग्स ऑन द वॉल, तो जो स्केल्पटर है वो वॉल पे लटका है तो ऑन आया है। इसी तरह से द इमेजेस आर ऑन द पेज, तो पेज पर इमेजेस हैं तो वो भी पेज पर बनाई गई हैं तो वो भी ऑन आएगा। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल, द स्पेशल्स आर ऑन द मेनू व्हिच इज ऑन द टेबल, तो जो मेनू टेबल पर है उसमें कुछ स्पेशल हैं तो टेबल पर रखा हुआ है स्थिर है तो ऑन आएगा। इसी तरह से मेनू में भी जो लिखा होगा वो भी उसके लिए भी ऑन आया है। दूसरा पॉइंट बी, इन, इनका प्रयोग जब किया जाता है जब कोई चीज किसी के अंदर रखी हो या कहीं पर इनसाइड में हो, जैसे जिम इन इज इन फ्रांस विजिटिंग आंट इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर इज जिम इज इन फ्रांस, तो जिम किस देश में है, इन फ्रांस, तो यहाँ पर इन मीन्स वो अभी इनसाइड है फ्रांस के। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, द विस्की इज इन द जार इन द फ्रिज, तो जो विस्की है वो फ्रिज में है और फ्रिज के अंदर जार में है तो इन है मीन्स इनसाइड उसके अंदर है। इसी तरह से द गर्ल्स प्ले इन द गार्डन, गर्ल्स हैं जो वो खेलती हैं कहाँ, गार्डन में। सी पॉइंट, जब हम किसी निश्चित स्थान के बारे में बात करते हैं तो एट का प्रयोग किया जाता है, जैसे वी विल मीट एट एयरपोर्ट, तो यहाँ पर एक निश्चित स्थान है कि हम कहाँ मिलेंगे, एयरपोर्ट पर। इसी तरह से द बॉयज आर एट एंट्रेंस एट मूवी थिएटर, तो यहाँ पर भी एट का ही प्रयोग किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रपोजिशन में सबसे पहले ए, अक्रॉस रिफर टू द मूविंग वन साइड टू अनदर, इसका मतलब यह है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब हम अक्रॉस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे राम ट्रेवल्ड अक्रॉस अमेरिका ऑन हिज मोटरसाइकिल, तो यहाँ वो एक जगह से दूसरी जगह की बात कर रहा है। इसी तरह से सोहन एंड मोहन आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक, सोहन और मोहन ने तैराकी की लेक के चारों ओर। इनटू, इनटू का प्रयोग जब हम कहीं किसी चीज के में इंटर कर रहे हो या किसी के अंदर कुछ देख रहे हो तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं, जैसे जेम्स वेंट इनटू द रूम। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, दे शेयर इनटू द डार्कनेस। सी डी पॉइंट, अप ओवर डाउन पास्ट अराउंड, ये भी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, जैसा कि अप का मतलब ऊपर, ओवर मीन्स किसी चीज की मात्रा अधिक हो जाना, डाउन मीन्स नीचे, पास्ट मीन्स गुजर जाना और अराउंड मीन्स चारों ओर। इनके जो शब्द हैं की मीनिंग है उन्हीं के अनुसार इनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे जैक वेंट अप द हिल, ठीक इसी तरह कपिल केम ट्रेम्बलिंग डाउन आफ्टर। थर्ड सेंटेंस, वी विल ट्रेवल ओवर रफ टेरेन ऑन आवर वे टू ग्रैंड मास हाउस। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस, द हॉर्स रन्स अराउंड द ट्रैक ऑल मॉर्निंग। इसी तरह से अ कार जूम्ड पास्ट द ट्रैक ऑन द हाईवे। इस तरह से हम इन सभी प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रपोजिशन जितने हैं उतने ही रहते हैं, इनमें कोई अलग से हम नई प्रपोजिशन को ऐड नहीं कर सकते।